देश में सनातन को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर उंगली उछालने वालों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचारों से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि सत्य एक है, लेकिन लोग अपनी मूर्खता से सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। रावण और हिरण्यकश्यप और कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन उनका सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा। अब ईश्वर बचा और आज भी है। सनातन धर्म सत्य है और कभी नहीं मिट सकता है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अच्छे प्रदेश में है, ये ईश्वर की कृपा है। सनातन जब खड़ा हुआ तब अयोध्या में राम मंदिर और काशी में बाढ़ और बढ़ता रहेगा। सनातन जब खड़ा हुआ तब अयोध्या में राम मंदिर काशी में बड़ा और बढ़ता रहेगा। बता दें, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टेलिन के बेटे उदयनिधि स्टेलिन के एक बयान से सनातन पर जमकर बहस शुरू हो चुकी है। उदयनिधि ने सनातन उन मूलम सम्मेलन में कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, इन्हें खत्म ही करना होगा। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे जड़ से ही मिटाना होगा। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन पर विवाद बढ़ने पर पीएम मोदी ने भी इस पर सख्ती से जवाब देने को कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा था कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही से जवाब दिया जाए। सनातन धर्म पर बेटे की टिप्पणी के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टेलिन ने बेटे उदयनिधि का बचाव किया। एमके स्टेलिन ने उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुक बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचार वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया है।